नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस तो इजी सी डेफिनेशन है इसकी, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा आर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/R, और इसको डिनोट करते हैं हम जी से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिजिक्स में इसको सी से डिनोट किया जाता है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसको किससे डिनोट करते हैं जी से। तो जी इज इक्वल टू 1/R, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, आप इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हो, जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या थी हमारी, अब रेजिस्टिविटी बताता हूँ इसको क्या आपकी होगी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी से कैसे रिलेट करती है। अब कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं बेटा कप्पा के, इसको बोलते हैं कप्पा के। ठीक है, और कप्पा के किसके इक्वल होता है 1/ρ। के इज द कंडक्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो ऐसा यूनिट होगी वो साइमन मीटर इनवर्स, आप ऐसे ही बता सकते हो कंडक्टिविटी। अब आगे देखिए, इसको जो आर था हमारा वो इक्वल टू क्या था रो एल अपॉन। अब यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकाले तो क्या होगी रो इक्वल टू R A अपॉन L। अगर ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में तो क्या हो गया हमारे पास K इज इक्वल टू 1/R इंटू एल अपॉन ए। अब कप्पा K इज इक्वल टू 1/R क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, इट मीन्स G मल्टीप्लाइड बाय एल बाय ए। क्या था मैंने आपको बताया था एल बाय ए इज इक्वल टू जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट, तो इसकी जगह क्या आएगा जी स्टार। तो ऐसे आप कंडक्टिविटी किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो पहले उसको कंडक्टेंस में चेंज कीजिए, लेंथ और एरिया दिया तो उसको आप उस सेल कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करके कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा एम से। ठीक है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस बोल रहे कंडक्टिविटी बोल रहे, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, एंड द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज के मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम। अब यहां से मोलर मींस मोलाइटी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलाइटी से रिलेट करती है, और K इज द कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ वन मोल सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।